माया नगरी पर मंडराया आतंक का खतरा। समंदर के रास्ते घुसने के फिराक में आतंक। हाई अलर्ट पर समंदर के जाबाज। ओन यूएवी हैज डिटेक्टेड एनिमी वॉरशिप ऑपरेटिंग 150 नॉटिकल माइल्स। घाटी से धारा 370 हटाए जाने के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रचनी शुरू कर दी है। मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकी समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में घुसकर बड़ी तबाही मचाने की कोशिश कर सकते हैं और उनके निशाने पर है माया नगरी मुंबई। ये आतंकी ठीक वैसी तबाही मचाने के फिराक में हैं जैसी तबाही 26/11 को मचाई थी। हम इस वक्त अरब सागर के मुहाने पर बसे महाराष्ट्र के मुंबई शहर में उस जगह पे खड़े हुए हैं जिसको बधवार पाक कहा जाता है। बधवार पाक का इतिहास साल 2008 से जुड़ा हुआ है, जब 26/11 का हमला हुआ था। तब कसाब और उसके साथ जितने भी आतंकवादी आए थे, दसों के दसों आतंकवादी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते। ये जो तट आप देख रहे हैं, यहीं से होते हुए यहीं पे वो उन्होंने अपनी वो नौका रोकी थी और अपने जो हथियारों से जो लैस थे, वो जो बैग उन्होंने यहीं पर टांगे थे, और फिर ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता लेते हुए सामने गए। यहां से उन्होंने टैक्सी ली और टैक्सी के बाद ये सब अलग अलग जगह पे जाकर इन्होंने आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। और मिली खुफिया जानकारी के आधार पर नेवी का हाई अलर्ट कर दिया गया है। करीब 7600 किलोमीटर की समुद्री सीमाओं में 46 कोस्टल रडार स्टेशन है। जमीन और स्पेस बेस्ड 89 ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए समंदर पर नजर रखी जा रही है। समुद्री इलाकों में करीब 2,20,000 फिशिंग बोट तैनात हैं। जो हालात हैं, जो धारा 370 को हटाया गया है 5 अगस्त को, उसके बाद जो हालात बन रहे हैं और उसके बाद जो इनपुट्स मिल रहे हैं, वो यही बताते हैं कि समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सेना या तो डायरेक्ट हमला कर सकती है, या ये हो सकता है कि जैसा 26/11 का हमला हुआ था वैसा हमला लगभग इसी तरह का समुद्री मार्ग इस्तेमाल करके किया जा सकता है। अब इस जब से इनपुट आए हैं उसके बाद देश का पूर्वी हिस्सा जो है और पश्चिमी हिस्सा है, वो दोनों तरफ जो समुद्र से घिरा हुआ इलाका है उसको इस वक्त चाक चौबंद वहां पे व्यवस्था कर दी गई है। समुद्र में अगर मैं आपको टेक्निकली तौर पे बताएं तो एक हिस्सा है 20 नॉटिकल माइल का, जहां पर मुंबई पुलिस और कोस्ट गार्ड जो है उसकी तैनाती की जाती है, जो लोकल स्तर पर जाकर अपने वाहनों के जरिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मुस्तैद करते हैं। उसके बाद का जो हिस्सा होता है पानी का, वो जो जिम्मेदारी होती है इंडियन नेवी की होती है, और इंडियन नेवी उसके बाद सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करती है। और जब से इनपुट मिले हैं तब से मुंबई के जितने भी तटीय इलाके हैं या महाराष्ट्र के जितने भी तटीय इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए समंदर से आसमान तक और आसमान से जमीन तक हमारे जाबाज निगाहें गड़ाए हुए हैं। जो लोग थे आतंकवादी, वो यहां पर आए थे, वहां पर आप देख लीजिए पुलिस की वाहन यहां पर लगा दी गई है, एक्स्ट्रा पुलिस का यहां पर आप तैनाती की गई है, बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। कोशिश ये रहती है कि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो उसको रोककर उसकी पूछताछ की जाती है। और ये जितने भी कोस्टल इलाके हैं आपको मुंबई के, वहां पर आपको इसी तरह की सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र में जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई पुलिस के अलावा जो कोस्ट गार्ड है उनका जो एरिया है वहां पर उनको जो उनकी बोट्स होती हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और हर जो रडार की मदद से अगर कोई भी छोटी बोट अनआइडेंटिफाई होती है तो उसको रोका जाता है, उसको रोककर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इंडियन नेवी है, उसको भी अब पूरी तरीके से अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रकाश चौहान के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।